लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, जमीन का मुद्दा जम्मू खित्ते में भी है। हमने बठंडी की बात की, ये तस्वीर रामबन के इलाके की है। रामबन के इलाके में भी इंतजामिया के खिलाफ लोग सरापा एहतजाज, और पहली बार इस जमीन की वजह से लोग मुतहद हो रहे हैं। अब तक करीबन पिछले 2-3 सालों से लोग इस तरह के प्रोटेस्ट बहुत कम किया करते थे, बहुत बाहर कम निकला करते थे। कुछ लोग बताते थे खौफ है, कुछ लोग बताते थे डराया जा रहा है, या आमतौर पे एक ट्रेंड भी चल रहा था, एक मानसिक जो मेंटलिटी भी ऐसी बनी हुई थी। लेकिन ये पहली बार लोग निकले हैं, और जम्मू के बठंडी से लोग निकले, उधमपुर से निकले, आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में निकले, और ये सारी चीज़ें एक नई जो सुर्ख्याल है उसको दर्शाते हैं। लेकिन इसी मामले पर जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, सरकार को सुझाव दिए। 5 के 5 में मैंने 5वीं खबर आपको बताई थी, गुलाम हसन मीर ने आज सरकार को सुझाव दिए। सुझाव किस तरह से किया जा सकता है, जिस तरह हम लगातार बता रहे हैं कि बिल्डिंग्स गिराना जवाब नहीं है, बिल्डिंग्स के साथ साथ दरख्त काटना ये जायज़ नहीं है। दरख्त काटने की हम इजाज़त नहीं दे सकते हैं, और बार बार इंतजामिया दरख्त काट रही है, वो दरख्तों को क्या किया जाएगा। और फिर साउथ कश्मीर से कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि कुछ बागात को भी काटा गया है, तो ये हमारी इकॉनमी को एक तरफ से ख़त्म जो किया जा रहा है किया जा सकता है। इससे बड़ा सवाल उठते हैं हमारी इकॉनमी को ख़त्म करने के लिए। तो दरख्त काटना जायज़ नहीं है, इसकी कोई इजाज़त नहीं देता, और दुनिया का कोई भी इन्वायरमेंट इसकी इजाज़त नहीं देती है। लेकिन गुलाम हसन मीर ने सरकार को जो मशवरे दिए हैं वो भी सुन लीजिएगा, अच्छे मशवरे हैं सरकार के लिए, सुनिए सरकार। असर नहीं थे, वर्किंग सीजन कम था इन स्पॉट्स पे क्योंकि ये विंटर जोन्स थे। फिर लगभग अब ये 82-83 या 85 तक इन्होंने होटल्स पर तैयार, 2-3 साल काम किया तो 89-80 में सारा कश्मीर डिस्टर्ब हो गया। तब से अब पिछले 2-3 साल से उन्होंने काम शुरू कर दिया, आप उनको भी बाहर खींचे। तरीका जो सारी कंट्री में, वी आर नॉट आस्किंग फॉर अ स्पेशल प्रोविजन फॉर जम्मू एंड कश्मीर। तो जब स्पेशल प्रोविजन जो सारी कंट्री में रिन्यूअल ऑफ लीज का तरीके कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में आप ये क्यों अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर के साथ क्यों ऐसा तरीका इस्तेमाल किया जाता है जो सब सिस्टम को ही डिस्टर्ब करता है? एक तरफ से आपका हम टूरिज्म को डेवलप करना चाहते हैं, टूरिज्म डेवलप करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बिल्ड है आप उसी को तहस नहस कर रहे हैं। तो आपकी पॉलिसी में मुझे नहीं लग रहा है कहीं पे सही तरीका है। इसी तरह से हमारा मानना है कि सरकार को ये सारी चीज़ें रिविजिट करना चाहिए। इस वक्त जबकि बीजेपी सरकार ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर के लोगों को यह आश्वासन दिया था कि आर्टिकल 370 हटने से जो रुकावट बनी थी डेवलपमेंट में जम्मू कश्मीर में वो हट जाए, लेकिन जिस तरीके से आज जम्मू कश्मीर के लोग फील कर रहे हैं, वो कहती हैं शायद ये जो सारा कुछ हो रहा है ये शायद आर्टिकल 370 के हटने से हो रहा है। उनके मकान महफूज नहीं है, उनका कारोबार महफूज नहीं है, वो अपने आप को गैर महफूज कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये गवर्नमेंट की पहली जिम्मेदारी है उसके जो सिटीजन्स हैं वो सेफ फील करें, प्रोटेक्टेड फील करें। आज ऐसी बात है, मतलब जिस तरह मिलिटेंसी का दबाव इन्होंने कम कर दिया, मिलिटेंसी को डिफेंस पर लाया, तो एक सिक्योरिटी का माहौल जम्मू कश्मीर में हुआ, लेकिन अब गवर्नमेंट की तरफ से ही इनसिक्योरिटी का माहौल दिया गया है, इसमें काम करें। इस तरह से उन लोगों का आर्गूमेंट होता है, उन लोगों का आर्गूमेंट स्ट्रांग होता है जो कहते हैं कि जिनका नज़रिया सियासी तौर डिफरेंट है, वी हैव टू डिफेंड दोज डिजाइंस बाय आवर कंडक्ट, बाय आवर परफॉर्मेंस। उस चीज़ की जरूरत है। मतलब इस वक्त भी जिन पार्टियों ने वहाँ कश्मीर के अंदर ऐसी सियासत की कि इंडियन सिस्टम से दूर रखने की कोशिशें की, उनको इस वक्त मौका मिलता है ऐसे जज्बात। चलिए, ये जो सिस्टम से दूर रखने की जो पॉलिटिकल पार्टीज बात कर रही हैं, गुलाम हसन मीर बता रहे थे, उनको एक फ़ायदा मिल रहा है, और साफ जाहिर है कहीं न कहीं जो खिलाफ लोग होंगे सिस्टम के खिलाफ, या उन्हें मौका मिलेगा इस तरह के मामला जब सामने आएंगे, और इन मामला में बहुत से लोग सवाल उठाए जा रहे हैं। हमारे न्यूज़ रूम को भी लगातार सवाल आ रहे हैं, और सवाल ये उठा रहे हैं कि बाईपास के आसपास जो कंस्ट्रक्शन हुई हैं क्या वो लीगल हैं, ये सवाल उठा रहा है वो, चाहे वो जम्मू से लेकर श्रीनगर तक का हाईवे हो या श्रीनगर का बाईपास हो, ये गुलमर्ग की तरफ जाने वाले हाईवे पे जो दुकानें वगैरह बने हुए हैं क्या वो लीगल हैं, क्या वो सरकारी ज़मीन पे हैं, क्या सरकार ने कोई उनको परमिशन दिया है, उसकी भी बात की जा रही है। और अगर आम लोगों से बात की है तो अक्सर कहते हैं
इन पॉलिटिशियन से, इन ब्यूरोक्रेट्स से, उनकी बेनामी ज़मीनों पे सरकार गौर करे। अगर अपने महकमे को एक्टिवेट की जाएगी तो सरकार को सबसे ज़्यादा वहीं पे मिलेगा, एक आम आदमी से कुछ नहीं मिलेगा। आम एक आदमी ने 5 मरला 10 मरला ज़मीन कब्जा की है, लेकिन जो बड़े लोग हैं जिनके पास पावर थे, जिनने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए कागज़ भी बदले हैं, उनसे ज़रा पूछ लीजिएगा कि श्रीनगर के निशात के इलाके में जब नो जोन है तो वहाँ पे ये सब कुछ कैसे कंस्ट्रक्शन हुई है वहाँ पे, उस पर भी सरकार से पूछा जा सकता है, मशवरा दिया जाता है। गुलाम हसन मीर भी कुछ ऐसा है मशवरा देते, लेकिन आपको बताएं, आप देख रहे थे 5 का 5 दिल्ली के स्टूडियो से, आज के 5 के 5 से 5 बड़ी